हरे कृष्ण मित्रों, जैसे कि आप जान रहे हैं, मैं कन्हैया घनश्याम दास KGD एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मोक्ष JPS। तो मित्रों, जैसे मैं अगले वीडियो में बताया था कि प्रेतात्मा के बारे में बहुत से अफवाह फैलाए जाते हैं, प्रेतात्मा ऐसा है, प्रेतात्मा वैसा है, लेकिन मित्रों आज मैं आपको शास्त्र प्रमाण से कहने वाला हूँ कि प्रेतात्मा ऐसा नहीं है जैसा कि अफवाह उड़ाया जाता है। तो बिना किसी टाइम ज़ाय किए हुए मेरा इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो आशा करता हूँ ये आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हरे कृष्णा। तो मित्रों, आत्मा के तीन स्वरूप होते हैं, आत्मा के तीन स्वरूप होते हैं। एक होता है जब कोई आत्मा भौतिक शरीर में वास करता हो, जैसे कि ये जड़ा जगत, ये जड़ा शरीर जो है इसमें जब वास करता हो तो उसे जीवात्मा कहते हैं। और फिर वही आत्मा जो जीवात्मा में विलीन हो चुका है, जीवात्मा वास करते हैं और उनके अंदर कामना वासना अपूर्ति रह जाता है और वो देह त्याग करते हैं, तो वो प्रेत आत्मा कहला जाते हैं। और वही आत्मा जब प्रेत आत्मा के बाद उसमें सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म शरीर जब श्राद्ध पिंड वगैरह होता है, आप लोग देखे होंगे सनातन धर्म में श्राद्ध पिंड क्रिया किया जाता है, उसमें उसको सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है, सूक्ष्मतम आत्मा उसको कहते हैं, सूक्ष्मतम आत्मा। तो आत्मा के तीन स्वरूप होते हैं। मित्रों, आयुर्वेद का नाम आप लोग सुने होंगे। आयुर्वेद कोई कंपनी नहीं है, या फिर आयुर्वेद कोई मतलब फैक्ट्री नहीं है कि आयुर्वेद से प्रोडक्ट, आयुर्वेद से ये। आयुर्वेद एक वेद है, किताब है, ग्रंथ है। तो आयुर्वेद के अनुसार भूत के 18 क्वालिटी होते हैं, 18 प्रजाति होते हैं। तो उसमें से जो नॉर्मल प्रजाति होते हैं, जो हर प्रजाति में पाए जाते हैं, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मंडा, बेताल, क्षेत्रपाल, ये सब आते हैं, ये क्वालिटी हैं। फिर उससे भी निम्न क्वालिटी के आते हैं। ऐसे में मित्रों, कोई आम आदमी भी अगर मरता है ना, कोई आम आदमी भी अगर कोई मरता है, चाहे वो एक्सीडेंटली मरे, अगर कोई आत्महत्या से भी मरे, या समय हो गया हो फिर भी मरे, तो सर्वप्रथम वो भूत बनता है। ठीक है, अगर वो भूत नहीं बनता होगा ना मित्रों, तो फिर इतना श्राद्ध क्रिया, पिंडदान, ये सब नहीं प्रथा चलता। ये प्रथा जितना भी चलता है सिर्फ उनका आत्मा को शांति के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी भूत बन चुका है, वो मरने के बाद ही भूत बन चुका है, अब उसको शांति के लिए क्रिया किया जाता है। तो मित्रों, कोई भी आदमी मरता है, कोई भी इंसान मरता है, तो पहले वो भूत बनता है। स्त्री भी, कोई भी स्त्री अगर मरता है, शादीशुदा स्त्री मरता है, तो उसको चुड़ैल कहा जाता है। और कोई अगर खराब कर्म होकर डेट किया होगा, बहुत अकर्मी था, मतलब पापी था वो लेडीज, तो वो लेडीज आपका डाकिनी के रूप में प्राप्त करता है। और एक कोई कुंवारी स्त्री अगर डेट किया, कोई कुंवारी कन्या, तो उसको देवी कहा जाता था, वो साक्षात देवी के रूप लेता था, कहा जाता था। ये अकाल मृत्यु जो होता है, अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कोई आत्महत्या करता है, फांसी ले लेना, जहर पी के जान दे देना, कहीं से कोई आ रहा है बस से टकरा गया, वो मृत्यु हो जाना। तो मित्रों, ये जो आत्मा होता है ना, वो भटकते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलता है, क्योंकि उनका शरीर में, जैसे हम आपको पहले बोले कि वो जीवात्मा का शरीर में कामना वासना अतृप्त रह गया, तृप्त नहीं हुआ वो, और कुछ भी ऐसा कोई काम है जो उसको आपूर्ति है, उसको काम करना होगा, तो ये भटकते रहते हैं। और आत्महत्या जो करता है, सेम केस उसके साथ भी होता है, भगवान उसको इहोलोक परलोक कहीं एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसको इस मर्त्यलोक में भटकना पड़ता है। मित्रों, क्या भूत प्रेत इंसान का रूप लेता है? ऐसे तो यूट्यूब में मैं बहुत वीडियो देखता हूँ कि इंसान का रूप धारण कर लेता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ कुछ भूत प्रेत वगैरह होते हैं, खूब इतना पावरफुल होते हैं कि आप कभी उसको मतलब आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। और कुछ कुछ प्रेत वगैरह होते हैं, उसका कुछ पावर नहीं रहता है, सिर्फ वो देखते रहता है सबको, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और वैसे में मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, देखिए ये एक अनुभव होता है,
भूत प्रेत का एक अनुभव होता है, आप हवा को भी नहीं देखे लेकिन महसूस करते हैं ना कि हवा है, भगवान को भी नहीं देखे लेकिन विश्वास है ना कि भगवान भी है, तो उसी तरह प्रेत आत्मा भी है। जैसे मैं आपको प्रेत आत्मा के बारे में व्याख्या कर रहा हूँ ना, तो हमको 100% महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ सुना जा रहा है, हम जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ देख रहा है, क्योंकि मैं आपको जो भी आपको व्याख्या कर रहा हूँ अभी तुरंत मैं आपको जो भी व्याख्या कर रहा हूँ प्रेत आत्मा के बारे में, तो मेरा ये शरीर का जो बाल होता है ना, शरीर का बाल ये पूरा कंपन हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो ये एक आभास होता है कि कोई है, कोई अगल बगल घूम रहा है, मेरा बात सुन रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसका एक पावर का समय होता है। जैसे भूत प्रेत सक्रिय कब होते हैं, अमावस में, 14 में, 13 में एक होता है विधि सनातन धर्म में, उस विधि में वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहा कि कुछ अगर मैं प्रेत के बारे में अगर कुछ गलत भी बोलता हूँ तो अगर मेरे आजू बाजू में वो लोग रहेंगे भी ना तो वो लोग सुनेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे ना, आभास देगा हमको कि आप यहाँ से चले जाओ, आप अच्छा नहीं हो, आप चले जाओ यहाँ से, आपसे आपका आप यहाँ पर रह रहे हो हम लोग को दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह और जहाँ ज़्यादा शोर शराबा वहाँ नहीं रहते हैं प्रेतात्मा, जहाँ कहीं उजाला हो वहाँ नहीं रहते हैं, और जहाँ मंत्र पाठ होता हो वहाँ भी नहीं रहते हैं, उन लोगों को शांति चाहिए। और प्रेतात्मा कभी नहीं चाहते हैं कि हमको कोई डिस्टर्ब करे, और वो लोग इंसान को क्षति नहीं पहुँचाना चाहता है, लेकिन इंसान क्या करता है ना, उसको ज़्यादा टोल मटोल करना कोशिश करता है तभी इंसान को क्षति पहुँचाता है, और वो भी क्षति कैसा पहुँचाता है, वो आभास दिला देता है, कोई चीज़ फेंक देना, पत्थर आ जाता है, कहीं से कुछ गाछ गिर जाता है, वो आभास दे देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, चले जाओ यहाँ से, बस ये वार्निंग होता है। और प्रेत कभी इंसान का रूप धारण नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है, क्योंकि उसका खुद अपना अस्तित्व नहीं है, उनका खुद इतना पावर नहीं है। और कुछ कुछ जो प्रेतात्मा होते हैं वो कर्म काल के अनुसार होता है, गति किस कर्म करते हुए डेट किया है, क्या गति है उसका, उस हिसाब से उसको पावर मिल जाता है। इतना भी पावर मिल जाता है मित्रों, इतना पावर मिल जाता है कि वो आपको उठा के वहाँ से फेंक भी सकता है एक सेकंड में, और किसी का शरीर में प्रवेश करता है, जो बोलता है ना प्रवेश करना, तो हल्का सा प्रवेश क्या, फुल प्रवेश नहीं कर सकता, वो सिर्फ दृष्टि का पावर से करता है। प्रवेश कर जाने का मतलब बहुत इम्पॉसिबल चीज़ होता है, ये प्रवेश जो होता है ना, बोलता है ना कि किसी का भूत चढ़ गया है शरीर में उसको निकालो, ये गलत बात है, भूत चढ़ता नहीं है, भूत उतना पावर नहीं है उसका, क्योंकि भगवान ऑलरेडी हम लोग का अंदर परमात्मा रूप से विराजमान है ना, तो फिर कैसे ये संभव है, ये सिर्फ वो एक दृष्टि देता है, और वो भी ज़्यादा खूब पावरफुल होता है। जैसे कि हम लोग का हिंदू सनातन में है ब्रह्म राक्षस, जिसे इस्लाम में जिन कहा जाता है, ये थोड़ा पावरफुल होता है और बहुत हटी होता है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, इनको जो चीज़ चाहिए वो लेके रहेंगे, और इनको शांत स्वभाव, कभी जो खिचखिच करने लगेगा तो इतना खचखिच करेगा कि आप लोग कंट्रोल से बाहर हो जाए, कभी खेलने लगेगा तो खेलने लगेगा, इस तरह से हम लोग में हिंदू में हिंदू सनातन में उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है और इस्लाम में उनको जिन कहा जाता है। मित्रों भूत प्रेत होता है, 100% होता है, शास्त्र प्रमाण है, गरुड़ पुराण में विवरण है, हनुमान चालीसा में विवरण है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान वीर जब नाम सुनावे, ये तो दूर की बात है मित्रों। श्रीमद्भागवत में जो 18,000 श्लोक है भागवत पुराण, वो ग्रंथ में वर्णन है, धुंधकारी, आप लोग सुने होंगे धुंधकारी एक प्रेत योनि में चला गया था। मित्रों धुंधकारी और गौकर्ण दोनों दो भाई थे, तो गौकर्ण थे शास्त्रज्ञ पंडित और धुंधकारी थे अत्याचारी बन गए थे, वो वैश्या संगत करते थे, लूट लेते थे, किसी राजा को लूट के उनको मार देते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, धुंधकारी का जो पत्नी था वो पत्नी ही उसका जान मार दिया, सारा पैसा लूट लिया और धुंधकारी को मार दिया। तो धुंधकारी को मारने के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुआ, क्योंकि वो कर्म अच्छा नहीं किए थे इसीलिए उसको प्रेत योनि प्राप्त हुआ। और गौकर्ण जो थे वो गाय का पेट से जन्म लिए थे, इसीलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा था, और कान भी था गाय का, ठीक है, ये भागवत का कथा मैं बता रहा हूँ। तो गौकर्ण ने अपना भाई का 3 बार पिंडदान किया था गया में, और ऐसा माना जाता है और मान्यता है कि गया में अगर एक बार पिंडदान किया जाता है तो उसका आत्मा को मोक्ष मिल जाता है और बार बार इस धराधाम में आने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन गौकर्ण ने 3 बार करने के बावजूद भी अपना भाई धुंधकारी का मोक्ष नहीं कर पाया था, क्योंकि इतना पापी था। अचानक एक दिन एक जंगल के रास्ते से गौकर्ण गुजर रहा था संध्या का वक्त था,
अचानक वहाँ से एक आवाज़ आया, क्योंकि प्रेत आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, हाथ पैर ना मुँह, लेकिन उस तरह से आवाज़ कर रहा था, इस तरह हवा में जैसे बहत के कोई जा रहा है कि भैया मुझे मोक्ष नहीं मिला। नाक से भी आ रहा था आवाज़, इसी तरह प्रेत का आवाज़ होता है, भैया मुझे मोक्ष नहीं मिला। तो बोला, कौन हो तुम? बोला, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। बोलिए, असंभव है, मैं गया में पिंडदान किया, वो भी 3 बार, तुम्हारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? ये इसका प्रश्न मैं सूरज से पूछूंगा, सूर्यदेव से पूछूंगा। प्रातः काल जब उन्होंने गौकर्ण ने नहाने गया, स्नान के दौरान सूर्य जी उठ रहे थे, प्रातःकाल सूर्य उठ रहे थे, सूर्य को उन्होंने रोक दिया, सूर्यदेव रुकिए, मेरा बात का जवाब दीजिए। सो उस समय में बड़ा बड़ा धर्म वीरु आदमी रहता था, अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो सूर्य जी पूछने लगे, क्या बात है गोकर्ण, हमको रोक दिए तुम, क्या पूछना है? मतलब सूर्यदेव, मेरा भाई का 3 बार गया में पिंडदान किया, लेकिन फिर भी उसको प्रेत योनि से मुक्त नहीं मिला, ऐसा क्यों? तो सूर्यदेव ने कहा कि वो इतना पापी था, गोकर्ण इतना पापी था, इतना पाप किया, इतना हत्या किया है, इतना वैश्या संगत किया है, इसीलिए उसको प्रेत योनि में प्राप्त हुआ और ना ही उसको शांति मिला। तो क्या करना पड़ेगा? तो सूर्यदेव ने उसको कहा, उसको भागवत पढ़ाओ, भागवत सुनाओ, श्रवण करो, 7 दिन भागवत सुनाओ। तो गोकर्ण ने भागवत का आयोजन किया गया, एकदम वास्तविक घटना मैं बता रहा हूँ मित्रों। भागवत जब स्टार्ट करने वाला था, भागवत रखा हुआ था, भागवत जो ग्रंथ है वो रखा हुआ था, और एक आसन में गोकर्ण था और एक दूसरा आसन रखा गया धुंधकारी के लिए। धुंधकारी को आह्वान करके बोला गोकर्ण कि अपना आसन ग्रहण करो। तो धुंधकारी जहाँ बैठने जा रहा है उनको फेंक दिया जा रहा है, बैठने जा रहा है फेंक दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या भागवत है वहाँ पर? धुंधकारी ने हल्का सा आवाज़ से बोला कान में कि गोकर्ण, मैं वहाँ बैठने नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अमल पुराण भागवत है, उसका मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा पावर। तभी गोकर्ण ने कहा, ठीक है, देख रहे हो उस बांस का झाड़ी, उस बांस का झाड़ी का जो गांठ है, मित्रों आप लोग देख रहे हैं बांस का झाड़ी में गांठ है, देखिए 1, 2, 3, 4 है ना, तो उस गांठ में जगह प्रवेश करो और मैं वहां से तुमको भागवत श्रवण करा रहा हूं। तो मित्रों तभी धुंधकारी ने उस बांस में जाके प्रवेश कर गया। तो बांस में जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद जिस तरह 7 दिन में भागवत खत्म होता है, 1 दिन भागवत खत्म हुआ तो ऊपर से एक गांठ उड़ गया। 2nd डे जब भागवत खत्म हुआ तो वो गांठ से 2nd गांठ हट गया। वैसा करते करते मित्रों 7 दिन का जब भागवत कंप्लीट होता है, 7 गांठ, इस तरह से तो बहुत गांठ है, लेकिन 7 गांठ में वो धीरे धीरे 7 गांठ उड़ गया, तभी धुंधकारी को मोक्ष मिला। तो मित्रों इसे साबित होता है कि प्रेतात्मा का अस्तित्व है और रहेगा, भगवान भी है प्रेतात्मा भी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन प्रेतात्मा के बारे में गलत अफवाह कभी नहीं, प्रेतात्मा किसी का क्षति नहीं चाहता है, किसी का हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, सिर्फ वो कर्म करना चाहता है जो उसका पूर्ति है, उसको किसी से करवाना चाहता है, फिर भी वो नहीं करवा सकता नहीं है, क्योंकि उतना पावर उसमें है नहीं। इसीलिए मित्रों प्रेतात्मा का विश्वास कीजिए और कहीं अकेले में ना जाएं, जहाँ पर कोई बंद घर हो, 1 साल 2 साल से बंद घर पड़ा हो, कोई हवेली हो, कोई जंगल हो, जहाँ पर कोई ना जाए, वहाँ मत जाए, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहता कि इंसान के साथ मेरा मतलब दर्शन हो, इंसान के साथ मेरा समक्ष हो जाए, फेस टू फेस हम लोग आ जाए। इसलिए मित्रों अगर कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, कनाएं घनश्याम दास को आदेश दीजिए, और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। हरे कृष्णा।